हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। बहुत समय से हम लोग इस चैनल पर एलटी की तैयारी कर रहे हैं। एलटी एग्जाम वेट कर रहे थे हम कि 10 मार्च को होगा। बहुत समय से हम नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, लेकिन पेपर लेट होता जा रहा था क्योंकि नियमावली में कुछ परिवर्तन की बात की गई थी। आर्ट्स वाले जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है आपकी एलिजिबिलिटी में कुछ क्राइटेरिया चेंज करना था। अब कल हमारे पास जो है एक आपका अधिसूचना जो है सर्कुलेट हो रही है, सभी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ रही होगी। मेरे पास भी ये अधिसूचना पहुंची, लेकिन मैं जानना चाह रही थी कि ये रियल है या फेक है, इसीलिए वीडियो बनाने में भी समय लगा। अब ये जो अधिसूचना आपकी आई है, यहाँ पर जो पेपर पैटर्न डिस्कस किया गया था वो आपका इस समय के हिसाब से नहीं है, जो आजकल एलटी का पेपर चल रहा था जिसके हिसाब से हम अभी तक प्रिपरेशन कर रहे थे। अभी तक हम जो प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें हम 30 मार्क्स की आपकी पैडागोजी की तैयारी कर रहे थे और आपका 70 मार्क्स के सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन इसमें कुछ और यहाँ पर गिवन था। पर हमने थोड़ी और रिसर्च की, हमने ये देखा कि ये आपकी जो सेवा नियमावली है ये आपकी 2014 वाली सेवा नियमावली है, और उस समय जो पेपर है आपका वो यूबीटीआर कराता था, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रुड़की, वहां के द्वारा आपका ये पेपर कराया जाता था। उस समय जो पेपर पैटर्न था वो बिल्कुल वही है जो इस सेवा नियमावली में लिखा गया है। फिर ये ट्रिपल एससी के पास आया और हम जानते ही हैं 2018 और 21 में पेपर थोड़ा अलग आता था। तो अब हम देखेंगे कि आपकी इस सेवा नियमावली में क्या परिवर्तन आए हैं। ठीक है, तो चेंजेस यहाँ पर बहुत सारी चीजों के बारे में बताए गए हैं। यहाँ पर बेसिकली जो ट्रांसफर वगैरह कैसे होंगे उसके बारे में बताया गया, लेकिन हम अपने जो वीडियो है उसका कंटेंट किस पर फोकस करेंगे, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है उसके संबंध में देखेंगे। तो आपका जो कला यानी कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बोला गया था कि उनके लिए बीएड भी माना जाएगा क्राइटेरिया, तो बीएड को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम संगीत की बात करें तो यहाँ पर भी इन्होंने बीएड मांगा है। फिर अगर हम आए सीधे आपके पेपर पैटर्न पर कि पेपर पैटर्न में क्या चेंज आया, अभी तक वैसे तो हम तैयारी कर रहे थे ट्रिपल एससी के हिसाब से 30 की पैडागोजी 70 का सब्जेक्ट, बट अगर 2014 की सेवा नियमावली के हिसाब से देखें तो परीक्षा का जो आपका पैटर्न है कुछ इस तरीके से था कि आपका 100 अंकों का एक पेपर होता था जिसमें आपकी शैक्षिक अभिवृत्ति यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग आएगा, और सामान्य ज्ञान यानी कि आपकी जनरल स्टडीज, आपका बेसिकली जीके वाला पोर्शन आता था, प्लस यहाँ पर आपका 100 मार्क्स का एक विषय से संबंधित प्रश्न जहां पर पूछे जाते थे, एमसीक्यू बेस्ड होता था। ये आपका ये पैटर्न यहाँ पर डिफाइंड है 2014 की नियमावली में। अब जो पैटर्न कह रहे हैं कि ये चेंज होगा वो कैसा होगा, अब भी यहाँ पर भाग एक और भाग दो किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कितने क्वेश्चन होंगे आपके 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स का आपका क्या होगा, शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान, ठीक है, ये आएगा आपका, और 50 मार्क्स का ही आपका विषय आएगा। यानी टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर हो गया जिसमें से 50 में आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग प्लस जीके आ गई, और 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू टाइप के आपके प्रश्न होंगे। इस तरीके से आपका नया पैटर्न बताया गया है। अब नया पैटर्न हमारे सामने ये है, और ज्यादा क्लैरिफिकेशन वैसे तभी होगा जब हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा, पर अगर हम इस पैटर्न के हिसाब से चले तो यहाँ पर हमें पहले तो क्या लाभ हुए हैं या अब क्या करना चाहिए इसको समझते हैं। तो शैक्षिक अभिवृत्ति की जहां तक बात करें, पैडागोजी तो अभी तक भी आप लोग पढ़ ही रहे थे, ठीक है, 30 मार्क्स की पैडागोजी आप अभी तक प्रिपेयर कर रहे थे, तो वो आपकी मेहनत कहीं बेकार नहीं गई। विषय से संबंधित आप प्रिपरेशन कर रहे थे, वो मेहनत भी आपकी कहीं बेकार नहीं गई। लेकिन एडिशनल यहाँ पर आपको अब क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर आपको रीजनिंग और जो आपका सामान्य ज्ञान है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि 50 मार्क्स के अंदर ये तीनों चीजें आ रही हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से हो जाएंगे। शैक्षिक अभिव्यक्ति भी है, तर्क शक्ति भी है, सामान्य ज्ञान, सब मिला के 50 अंकों का है। किसको कितना वेटेज मिलेगा, हो सकता है ये नोटिफिकेशन में क्लैरिटी मिल जाए, लेकिन आपको प्रिपरेशन तीनों की सही करनी है। इसमें अब आपका थोड़ा बहुत जो मुझे दिखाई दे रहा है फायदे में, शायद लेक्चरर वाले होंगे, अगर कोई लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहा था तो वहां पर जो आपका स्क्रीनिंग का पेपर होता है उसमें इसी तरीके की चीजें होती हैं। जो आपका पहला पेपर स्क्रीनिंग का होता है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना होता है, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग पढ़ना होता है, जीके भी तैयार करनी होती है, तो हो सकता है या कोई और एग्जाम की कोई प्रिपरेशन अगर कर रहा हो तो उसमें वो जरूर जीके थोड़ी बहुत पढ़ रहा होगा। तो यहाँ आपको थोड़ा सा बस आपको एडिशनली रीजनिंग प्लस जीके पर ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जो तैयारी अभी तक चल रही थी उसको आपको कंटिन्यू रखना है, वैसे ही पढ़ते रहिए। नियमावली आ गई है, इसका मतलब नोटिफिकेशन भी आपका जल्द ही रिलीज हो जाएगा। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें और ज्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आप अभी भी बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो, ये सोचे कि आप अभी तक जितना पढ़ रहे थे वो आपके लिए आपको इस रेस में कहीं ना कहीं आगे रख रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन शुरू ही नहीं किया, वो वेट करते हैं उनके नोटिफिकेशन आएगा तब देखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपना धैर्य बना के रखना है, मोटिवेटेड रहना है,
और नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी को फिर से सुव्यवस्थित तरीके से स्टार्ट करना है। बाकी आपको हमारे चैनल से हमेशा की तरह हेल्प मिलती ही रहेगी। हम बहुत जल्द आपके विषय से संबंधित जो आपके कोर्सेज हैं वो भी लेकर आने वाले हैं। पेडागॉजी आपकी चल ही रही है, तो आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। समय समय पर जो भी रियल इंफॉर्मेशन होगी वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।